गुरदासपुर जिले में ये हम आज आए हैं, ये है महंता दी पंडोरी। पंडोरी गांव में गौ सदन है, ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। मुगल कालीन इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। महंता दी पंडोरी, पंडोरी गांव में ये आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी मुगल काल से बना हुआ है। आपको एक बार अवलोकन करा के इसके इतिहास के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको एक बार इसके बारे में बाहर से पूरा मैं पहले दिखा दूं। अभी हम कोशिश करते हैं यहाँ जो मुख्य महंत है उनसे हम एक बार भेंट करते हैं। ये अंदर का दृश्य है, यहाँ संस्कृत महाविद्यालय भी है, योगी राज भवन, नारायण स्कूल, दरबार पंडोरी। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। जहांगीर ने यहाँ एक कुतिया को अफीम खिला कर उस समय के सिद्धेश्वर बाबा महेश दास जी महाराज के तपोबल से एक कुतिया सवा मन अफीम खा गई थी। इसी प्रकार से और भी बहुत सी कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक बार यहाँ से अपन अंदर चलते हैं, जो मुख्य मंदिर और यहाँ जो गद्दी है, स्वामी जी से भेंट हो गई अगर महाराज जी से, तो हम चलते हैं। बहुत सुंदर आश्रम है ये। आप सोचिए, ये आश्रम जहांगीर के समय का है और अभी महाराज जी के दर्शन हमने अभी किए। वो इस समय करंट के महाराज हैं जिन्होंने इसको बहुत ही भव्य बना दिया है। हम जिधर भी जाएं,
श्री भगवान नारायण द्वारा आचार्य गोविंद दास जी महाराज पूज्यपाद श्री 1108 वैष्णव स्वामी महंत रामदास जी महाराज जी की ये दो मूर्तियां हैं। यहाँ निरंतर सीताराम संकीर्तन चलता रहता है। पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति, आज मंगलवार है और हनुमान जी के दर्शन हो गए। आप सब पर भी हनुमान जी की कृपा बनी रहे, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। पूरे भारतवर्ष के लिए, सभी सनातन धर्म को मानने वालों के लिए, बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं यहाँ कलाकारी की गई है। गुरदासपुर जैसी जगह में इतना सुंदर और भव्य आश्रम का होना सच में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ये महाराज श्री के द्वारा ही ये सब संभव हो पाया है। देखिए प्रभु की कृपा से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि भारत में रहने वाला प्रत्येक सनातन धर्मी को यहां का आशीर्वाद मिले और यहां अवश्य आए। जब भी आप पंजाब आना हो तो गुरदासपुर में पिंडोरी धाम पर अवश्य आए। ये बहुत ही कलात्मक आश्रम बनाया गया है। मैं यहां सन 1975 से आ रहा हूं। कला का अद्भुत नमूना, प्रत्येक स्तंभ उतने सुंदर रंगों का प्रयोग किया गया है। ये महाराज श्री के कहने पर ही मंदिर के द्वार हमारे लिए खुले थे कि ताकि आप दर्शन कर सको। ये आप देख सकते हैं कला संस्कृति का बेजोड़ नमूना श्री पिंडोरी धाम में। चित्रों से पूरे इतिहास का वर्णन आपको यहां मिल जाएगा। उस काल के प्रत्येक चित्र एक कहानी कहते हैं। महंत नरोत्तम दास जी आप सभी के बारे में पूरी जानकारी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। आप निर्मल रतनलाल वैद्य मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस तरह के जितने भी दार्शनिक स्थल हैं उन सब के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा।
ये मुख्य मंदिर का गुंबद है। सुंदर रंगों का संयोजन, एक एक दीवार में कितना सुंदर रंगों का प्रयोग किया गया है। जी बिल्कुल, कितने भव्य दर्शन हो रहे हैं हमें ऐतिहासिक पंडोरी धाम के। ये यहाँ का भोजनालय है, सभी यहाँ लंगर पाते हैं। ये गद्दी क्या है इसके बारे में बताएंगे सर, जिस पर कुछ लोग इनको बैठना मना है। ये देखिए जी, कितना सुंदर और अद्भुत कला का नमूना। भगवान शिव अन्नपूर्णा माँ से भिक्षा लेते हुए यहाँ प्रत्येक मूर्ति बहुत ही सुंदर और भव्य है। कहीं से भी मतलब दृष्टि नहीं हटती, इतना सुंदर कार्य किया गया है।
चलो जी। ये भी यहाँ कुआं है जी, और ये जो भी सामने, ये तो भगवान शिव का मंदिर है। ये जो मस्जिद जैसी आकृति का जो ये आप देख रहे हैं, ये जहांगीर ने जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने यहाँ मंदिर बनाया, लेकिन उसकी जो शेप थी वो मस्जिद जैसी थी। और ये दर्शाती है कि मुगल बादशाह कितने प्रभावित थे हमारे सनातन धर्म से। पूरी परीक्षा लेने के बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है, तो मुगल बादशाह ने स्वयं एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, लेकिन शेप उसकी मस्जिद वाली ही रख दी। एक बार चलते हैं, आपको अंदर से भी दर्शन करा दें। ये देखिए जी, राम लक्ष्मण सीता, बहुत ही सुंदर मंदिर। और ये समाधि स्थल है, भगवान दास जी का समाधि स्थल है। सामने हनुमान जी का मंदिर, छतरी, जहां भी देखे एक अद्भुत स्थान। यहां आकर अवश्य कुछ दिनों के लिए रहना चाहिए। चलिए, मैं निर्मल रतनलाल वैद इस प्रकार से भारत के अलग अलग स्थानों पे जो दिव्य स्थान है वहाँ मैं आपको ले जाऊँगा और वहाँ के दर्शन कराऊँगा और वहाँ की पूरी जानकारी दूँगा। डिस्क्रिप्शन में पंडोरी धाम के बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी, आप अवश्य पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने विचार ज़रूर लिखें। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। महल नुमा द्वार, पंडोरी धाम का ये पूरा स्ट्रक्चर मुगल कालीन बादशाह जहांगीर के समय का है। वर्तमान में स्वामी जी ने इसको
पुनर्प्रतिष्ठित किया है। इसकी भव्यता आज भी उस गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है। गौशाला भी है यहाँ, भारतीय नस्ल की गायें हैं यहाँ, और ये पूरा सत्संग स्थल है, आप देख सकते हैं। सत्संग स्थल है ये, यहाँ से पूरा वन क्षेत्र है 40 एकड़ का, बहुत ही विशाल आश्रम है। ये प्रोग्राम बड़ा बढ़िया होता है गुरुदेव जी। जी बहुत बड़ा ये सत्संग हॉल है जी। श्री योगी राज भगवान नारायण सत्संग परिसर, वर्तमान पीठाधीश्वर श्री रघुवीर दास जी महाराज ने विक्रमी संवत 2071 सन 2014 में गुरु कृपा से बनवाया था। ये उसका मुख्य द्वार है। यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। ये मुख्य मंदिर है यहाँ का। यहाँ भी रघुनाथ जी यानी कि राम जी श्याम वरण की मूर्ति है यहाँ, साथ में लक्ष्मण सीता जी, इधर राधा कृष्ण। बहुत ही सुंदर इस मठ में सभी मूर्तियां हैं। ये मूर्ति रामानंदचार्य जी की है। अभी दक्षिण में एक बहुत ही विशाल मूर्ति जो बनी है, हमारे प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया वो मूर्ति, वो भी रामानंदचार्य जी की है। सनातन धर्म के बहुत ही बड़े संत हुए हैं, ये उनकी मूर्ति है। पंडोरी धाम का प्रमुख मंदिर जहाँ राम सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर। इधर राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति, श्वेत वन में कृष्ण है। उसी प्रकार से राम जी की मूर्ति यहां भी ब्लैक स्टोन में बनी हुई है। इसी प्रकार की मूर्ति आपको रघुनाथ मंदिर जम्मू में भी मेरे द्वारा आप सबने देखी होगी, और ये रामानुजाचार्य जी की, बहुत बड़े संत हुए हैं दक्षिण के, उनकी मूर्ति यहां विराजमान है। एक बहुत सुंदर यहाँ पूरे आश्रम को महाराज श्री ने बनाया हुआ है, मन मोह लेती हैं सभी मूर्तियाँ। पूरे मंदिर को इतना सुंदर बनाया कि भारत में क्या विश्व में इस प्रकार का मैंने मंदिर नहीं देखा। अब हम बाहर भी अगर आपको दिखाएं, दीवारों पर प्राचीन कला चित्रों के माध्यम से पूरी की पूरी कहानी आप देख सकते हैं। सभी चित्र अपने आप में रामायण महाभारत और बाकी बहुत से ऐसे चित्रों के द्वारा पूरे के पूरे हमारे ग्रंथों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और यहां से भी जो घटनाएं हुई हैं
इस आश्रम में महाराज श्री को जहांगीर ने जहर पीने के लिए कहा था। 3 बार उन्होंने जहर का सेवन किया और सुरक्षित रहे जी। 7 प्याले पंडित जी ने अभी बताया कि 7 प्याले जहर के पिए थे, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो उनकी कुतिया थी उसको 1.25 मन अफीम खिलाया था और उसके बाद वो जहांगीर इतना नतमस्तक हुआ कि उन्होंने एक मंदिर का यह निर्माण कराया जो नीचे आप देखेंगे। मस्जिद की शेप में वो मंदिर था, वो जहांगीर ने स्वयं उस मंदिर का निर्माण कराया कि जिस स्थान पर श्वान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो 1.25 मन अफीम को बचा सकता है, तो वहां के संतों में कितनी शक्ति होगी। कितना अद्भुत चित्रकला का यहां प्रदर्शन है और ये प्राचीन कला जिसको अभी तक संजो के रखा गया है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। ये आप यहां सारी चित्रकारी में देखिए, हर चित्र एक कहानी को दर्शाते हैं। रामायण काल, उसके बाद भगवान कृष्ण से जुड़े हुए मुगलकालीन चित्रकला, ये मिनिएचर पेंटिंग कहलाती है। अभी हम कोशिश करेंगे कि इन कलाकारों को भी मिला जाए जिन्होंने ये दोबारा से यहां बनाया है। बहुत ही अद्भुत। ये भगवान कृष्ण के जीवन की सभी प्रमुख घटनाएं गोवर्धन पर्वत से लेकर, इन सबको आप यहां देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर इन चित्रों के माध्यम से हम अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, युवा है, बच्चे हैं, वो अपने सनातन धर्म के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
सच में बहुत ही अद्भुत कार्य है। अलग अलग काल को दर्शाते ये चित्र, वाह जी वाह। ये गुरुगद्दी है पंडोरी धाम की, जो भी इसको देख रहे हैं उन सबको आशीर्वाद मिले, वो सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सनातन धर्म की सेवा करते रहें। मेरा यही निवेदन है आप सबसे।